जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में आज देखेंगे 8.2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 8.1 के सवालों का सवाल देखा था, आज देखेंगे हम लोग 8.2। 8.2 में क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं, जो अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात हैं, उनका क्या करना है, हमको कुछ वैल्यूज याद करके रखना है। कुछ वैल्यूज जैसे मान लीजिए याद करके क्या रखोगे आप, साइन हमको सबका वैल्यूज याद करके रखना है। पिछले वाले वीडियो में हम पहले बता चुके हैं आपको कि जैसे साइन जो होता है, जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा यहाँ पे क्या है, क्लास टेन एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री है, एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री आज वो देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। तो आप जानते हो इसमें क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो कॉसेक थीटा होता है ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, 1/sin θ, और sec थीटा जो होता है sec थीटा होता है 1/cos θ, tan थीटा जो होता है tan थीटा होता है 1/cot θ। ये चीज हम लोगों को याद करके रखना है। और tan थीटा का एक फॉर्मूला और बताया था, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपन cos थीटा। फॉर्मूलों को हम लोग बार बार लिखेंगे, जितनी बार फॉर्मूलों को लिखेंगे उतना ही फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठेगा। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो हम वैल्यूज याद करते हैं कैसे याद कर लेते हैं, यहाँ साइन लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, टेन लिख देंगे, यहाँ पे होता है कॉट होता है, फिर सेक होता है, फिर क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। वैल्यूज कैसे याद करके रखना है, केवल साइन का वैल्यू हम लोग याद करेंगे, बाकी सबका अपने आप से ही निकल जाएगा। साइन 0 का जो होता है 0 होता है, साइन 30 का होता है 1/2 होता है, हम लोग निकालना भी सीखेंगे इनको, आगे निकालना भी सीखेंगे, 1/2 होता है। साइन 45 का होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का होता है √3/2 होता है, साइन 90 का होता है 1 हो जाएगा। ये लाइन हमको याद होना चाहिए, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 90 का कितना हो जाएगा 1। ये वैल्यूज खाली हमको याद करके रखना है। फिर क्या होता है, हम लोग को जो कास्ट लिखना होगा, कास्ट 0 जो होता है साइन 90 का जो होगा वही कास्ट 0 होगा, यानी कास्ट 0 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, कास्ट 30 का हो जाएगा साइन 60 का यानी √3/2, कास्ट 45 का जो इसका होगा वही इसका भी होगा 1/√2, कास्ट 60 का क्या होगा जो साइन 30 का होगा 1/2, कास 90 का कितना होगा जो साइन 0 का होगा 0 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब टेन 0 का जब निकालना होगा, अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन 0 का जब हमको निकालना होगा, टेन 0 हो जाएगा साइन 0 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस 0। दिमाग में बातों को हम लोग रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 का कितना है 1, यानी इसमें इससे डिवाइड कर देना है, तो जो भी आएगा वो टेन 0 का होगा, टेन 0 हो जाएगा 0/1 कितना हो जाएगा 0, टेन 30 का कितना हो जाएगा, इसमें जब इससे भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, टेन 45 का निकालेंगे तो 1/√2 कट जाएगा 1 आएगा, टेन 60 का निकालेंगे 2 कट जाएगा √3/1 यानी √3 आ जाएगा, टेन 90 का निकालेंगे तो 1/0 साइन 90 कॉस 90 1/0, ये होता है अनडिफाइंड अपरिभाषित संख्या होती है, इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं।
अब कार्ट जीरो का निकालेंगे, इधर से लिखेंगे कार्ट जीरो का इनफाइनाइट हो जाएगा, कार्ट थर्टी का होगा अंडर रूट थ्री होगा, कार्ट फोर्टी फाइव का होगा वन, कार्ट सिक्सटी का होगा वन अपॉन रूट थ्री, कार्ट नाइनटी का हो जाएगा जीरो, कार्ट नाइनटी का जीरो होगा, सेक जो सेक होगा सेक जीरो का देखिए जो सेक जीरो हो जाएगा, कास का उल्टा वन पान कास जीरो हो जाएगा, कास जीरो का वैल्यू कितना होता है वन होता है, यानी कास को हम लोग उल्टा करते चले जाएंगे, तो इसको जब उल्टा करेंगे वन बाय वन यानी वन आएगा, इसको उल्टा करेंगे सेक थर्टी का हो जाएगा टू अपान रूट थ्री, टू अपान रूट थ्री हो जाएगा, सेक फोर्टी फाइव का कितना हो जाएगा इसका उल्टा करेंगे रूट टू अपान वन यानी रूट टू हो जाएगा, सेक 60 को जब निकालेंगे कॉस 60 को उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा, sec sec 90 का निकालेंगे cos 90 का उल्टा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इस तरह से होगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे cosec का लिखेंगे, cosec को हम लोग इसको यहां से लिखना चालू कर सकते हैं, cosine को हम लोग उल्टा कर सकते हैं, या तो यहां से लिखो या तो फिर इसको उल्टा करो, sin 0 तो जो कॉसेक होगा कॉसेक जीरो, साइन जीरो का उल्टा साइन जीरो, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है, फिर कॉसेक थर्टी का निकालेंगे जिसको उल्टा करेंगे टू हो जाएगा, कॉसेक फोर्टी फाइव का निकालेंगे रूट टू हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक सिक्सटी का निकालेंगे तो टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री, कॉसेक नाइनटी का निकालेंगे तो उनका उल्टा वन होगा, इस तरह से ये वैल्यूज हमको आ जाती है, तो दिमाग में हमारे होना चाहिए खाली एक लाइन याद होना चाहिए, साइन जीरो का जीरो, साइन थर्टी का वन बाई टू, कॉस साइन थर्टी फाइव का कितना होगा वन अपॉन रूट टू, साइन सिक्सटी का कितना हो जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, और साइन नाइनटी का कितना होता है वन होता है, इस तरह से हमको एक लाइन याद करके रखना, बाकी आप निकाल लेंगे, चार बार छह बार आप अपने रफ कॉपी पे निकाल लेंगे तो अपने आप से तैयार हो जाएगा, ये वैल्यूज आपको बहुत काम करेंगे, तो इस तरह से आपको ये करना रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं आगे की चीजों को देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे मान लो अगर हमको क्या करना है, अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सिक्स, एग्जाम्पल नंबर सिक्स देखते हैं, एग्जाम्पल सिक्स, एग्जाम्पल सिक्स हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बीस समकोण है, ट्रायंगल एबीसी है ये कोण भी समकोण है, आई ए है ये सी है, ट्रायंगल एबीसी में कोण भी समकोण है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला एंगल दिखा है 30 डिग्री की संख्या है, तो बी सी और ए सी का मान बताना है हमको, बी सी बताना है और ए सी का मान बताना है, बी सी और ए सी का मान बताना है, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बीसी जो होगा, अगर हम लोग कौन ऐसा कौन सा फार्मूला इसके साथ कोण के सामने भी लंब होगी, ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें लंब आता है आधार आता है, तो लंब और आधार किसमें आता है टैन के फार्मूले में आता है, तो टैन थर्टी बराबर हो जाएगा टैन थर्टी, टैन थर्टी बराबर हो जाएगा लंब, लंब यानी बीसी अपन आधार हो जाएगा बी ए यानी ए बी हो जाएगा, तो tan 30 का वैल्यू अभी हम लोग देखते थे, tan 30 कितना होगा sin 30 / cos 30, sin 30 का होता है 1/2, cos 30 का होता है √3/2, 2 से 2 कट गया 1/√3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, और BC का वैल्यू हमको निकालना है, AB का वैल्यू 5 है, अब यार 5 देखो डिवीजन में है तो जब इस साइड में लेते आएंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देखो BC इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवीजन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फाइव अपॉन हो जाएगा रूट थ्री, तो ये BC का वैल्यू आ जाएगा,
जब ये रूट थायरपान रूट थ्री आ गया, इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीके से कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो आपको कारण निकल जाएगा। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला होता है इसमें आधार आता है कारण आता है, तो जाहिर सी बात है कॉस के फार्मूले में आता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 30 बराबर आधार, आधार माने ए बी अपन कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी, ए बी का मान कितना है 5, ए सी का मान कितना है नहीं पता, कॉस 30 का वैल्यू होता है साइन 60, कॉस 30 का वैल्यू होता है साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2, तो कॉस 30 का हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर रूट 3 ए सी इक्वल टू 2 5 10, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन हो जाएगा रूट 3, ये चीज आपका आएगा। इसका आप क्या कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, प्रमेयकरण कर सकते हो, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 10 रूट 3 अपान हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से एग्जांपल नंबर 6 आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, फिगर बना के रखा गया है इसलिए हमको उसके फिगर के किताब के फिगर के अनुसार चलना पड़ेगा। ए जो है यहाँ पे है, बुक में आपके ए यहाँ पे दिया गया है, सी यहाँ पे है, तो बुक के हिसाब से लगाएंगे तो जो बुक में आपका आंसर आया है वो आंसर आपको मिल जाएगा। दरअसल पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे उल्टा ले लिया है, इसलिए हमारा आंसर ये आया है, जो आपके एग्जाम्पल का आंसर है वो थोड़ा सा डिफर आया है। तो ए को आप यहां करोगे और सी को यहां करोगे तो अपने आप से रिजल्ट आ जाएगा, तो उसको खुद आप करेंगे ना, खुद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 चलते हैं। एग्जाम्पल सेवन क्या है, एग्जाम्पल 7 है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस बार देख के बना रहे हैं PQR, इन ट्रायंगल PQR फिगर दिया गया है, कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, पी क्यू इक्वल टू 3 लिखा है, पी क्यू इक्वल टू 3 लिखा है, पी आर इक्वल टू 6 लिखा है, ये 6 लिखा है, तो एंगल क्यू पी आर हमको ज्ञात करना है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना ना, एंगल पी आर क्यू को फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में ध्रुव पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, आप चाहो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे डायरेक्ट आप फार्मूला लगाओ। देखो ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें लंब आता है कर्ण आता है साइन होता है, साइन में लंब अपान कर्ण होता है, तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन आर यानी साइन एंगल पी आर क्यू साइन एंगल पी आर क्यू साइन एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा 6, 1/2 हो जाएगा। अब एक चीज देखेंगे साइन का किसका 1/2 होता है, साइन 30 का होता है, ध्यान में रखोगे आप साइन 30 का हो जाता है साइन एंगल पी आर क्यू। अब यहां साइन साइन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं, काटेंगे नहीं इनको क्योंकि
कटेंगे नहीं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग आगे वाले क्लास में आएंगे, आगे की कक्षाओं में इनवर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग, इनवर्स फंक्शन में ही हमको क्लियर हो जाएगा ये साइन साइन खत्म कैसे होते हैं। तो कदापि आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे, ये क्या कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, अपने खुद से खत्म हो जाएंगे। एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या किया है बच्चे ने। तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल आपका 30 आ गया। अब एंगल ये निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एंगल निकालना है कास का फार्मूला लगा सकते हो, ये लंब होगा ये आधार, तो कास इक्वल हो जाएगा लंब, सॉरी ये लंब होगा ये आधार, आधार बटा कर्ण 3/6 हो जाएगा 1/2। तो आप वैसे निकाल सकते हो, कास की फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके लगाते हैं, अन्यथा क्या कर दो, ये 90 30, तो 90 30 120 हो जाएगा, 120 में से घटाएंगे, 180 में से घटाएंगे, 120 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, अथवा हम लोग क्या करें, कास लगाना, कास एंगल क्यू पी आर, कास एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा, कास एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये देखो ये कोण के सामने मुझे लंब होगी, ये आधार बनेगा, ये कोण रहेगा लंब ये होगा, ये कोण रहेगा लंब ये होगा। हम अपने पहले वीडियो में इसके बारे में पूरी गहन जानकारी आपको दिए हैं, अच्छी जानकारी दिए हैं, तो उसको देखा है आप। तो हो जाएगा आधार बटा कितना हो जाएगा कर्ण, फार्मूला याद होना चाहिए, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, ये लंब होगा आधार होगा 3/6, कर्ण हो जाएगा 6, 1/2। कास के किसका होता है वैल्यू 1/2, जब ये कास में कास को इसको निकालेंगे तो कास का किसका 1/2 होता है, तो कास 0 का होता है 1, कास 30 का होता है √3/2, कास 45 का होता है 1/√2, कास 60 का होता है 1/2। ये हो जाएगा कास 60 हो जाएगा, कास 60। अब देखिए यहां पे फिर वही काम होगा, कास कास कैंसिल हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर, तो कास कास कैंसिल हो जाएगा एंगल क्यू पे, देखो एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब एग्जांपल नंबर हम लोग देखते हैं, आठवां देखते हैं, एग्जांपल 8 देखते हैं, एग्जांपल 8 क्या है, एग्जांपल 8 में हो जाएगा, ये इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान में याद रखेंगे, साइन ए माइनस बी इक्वल्स है 1/2 कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी इक्वल्स 1/2 है, जो ए प्लस बी है ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन लिखा है ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन कितने हैं 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 90 है, लेस देन आर इक्वल टू 90 है, एंड ए ग्रेटर देन क्या है बी, एंड ए ग्रेटर देन क्या है बी। इन शर्तों के अनुसार क्या करना, हमको क्वेश्चन लगाना है, ए व बी का जो सम आना चाहिए, एंगल ए व बी का जो सम आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा 90 के बराबर अथवा 90 से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, इनको यूज करते हैं हम लोग, तो सिंस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 1/2 है, जब 1/2 है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन का किसका वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होगा, साइन साइन खत्म हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल्स हो जाएगा 30, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी प्रकार कास ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कास ए प्लस बी, कास के किसका वैल्यू होता है 1/2, कास 60 का होता है, क्यों, क्योंकि कास 30 का जो होता है, कास 30 का जो होता है वो होता है √3/2, कास 60 का 1/2 हो जाएगा, यह हो जाएगा कास 60 डिग्री, कास कास कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, हमको पता क्या करना है, ए व बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए कितना है बी कितना है ना, ए व बी ज्ञात करना है, ए कितना है
बी कितना है, ए और बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये देखो दोनों दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, दोनों को जब ऐड करेंगे तो प्लस बी है माइनस बी कट जाएगा, ए ए कितना हो जाएगा टू ए, टू ए प्लस हो जाएगा 30 और 60 कितना हो जाएगा 90, देयरफॉर ए इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 2, ये हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री आएगा, 45 अंश आया। ए का वैल्यू रख के बी का वैल्यू फाइंड कर लो, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू इक्वेशन टू रख दो 45 प्लस बी इक्वल हो जाएगा 60, देयरफॉर B इक्वल्स हो जाएगा 60 माइनस 35, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 15 अंश हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि जो A की वैल्यू है, देखो यहाँ पे कंडीशन A ग्रेटर देन B था ना, तो A ग्रेटर देन क्या है B है हुँ? और क्या है A व B का वैल्यू जो है 45 प्लस 15 जब इनको जोड़ेंगे तो 60 आएगा, वो जीरो से बड़ा होगा 90 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये चीजें आपको हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी जिस तरह से हम लोग ये एग्जांपल सब देख लिए। एग्जांपल अगर ढंग से समझते हो, आप एग्जांपल को भी रिवाइज करते हो तो काफी क्वेश्चंस आपको क्या होता है एग्जांपल से मिल जाते हैं। तो एग्जांपल को सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको दो बार तीन बार लगाना चाहिए, लगाने के बाद फिर आप एक्सरसाइज पे लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और एक्सरसाइज चालू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।